लोकसभा निवडणुकीसाठी प्रचाराची सुरुवात झाली आहे। शहरभरात काँग्रेस पक्षाचा जल्लोष बघायला मिळत आहे। कार्यकर्त्यांसोबतच शहरातील सामान्य जनताही भाजपच्या हुकूमशाही पद्धतीचा विरोध करत काँग्रेस पक्षाच्या समर्थनासाठी उभी झाली आहे। भाजप सरकारने सामान्य जनतेशी धोका केला आहे, त्यामुळे यावेळी आम्ही भाजपाला त्यांची खरी जागा दाखविण्याची खंत ही यावेळी नागरिकांनी व्यक्त केली। इनका कहना है कि इतना झूठ बोलोगी सच लगे लगे, जैसे वो विकास की बात कर छत्रपति नगर में पुलिया बना, ये जब बांधकाम मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में, जब 6.5 करोड़ बनाए थे, अभी जब वो मंत्री बने उसको तोड़ने के लिए 9.5 करोड़ खर्चा किया। ये क्या है? ये कोई विकास है? विकास उसको बोलते हैं स्वस्थ न्यायालय पर न्याय प्रक्रिया शिक्षण, इसके अंदर सबको बराबर सम्मान मिले, सबको अवसर मिले, इसको विकास बोलते हैं। ये कैसा विकास के जो जितनी मेडिकल कॉलेज होती है इसका चेयरमैन खासदार होता है। जब कांग्रेस सत्ता में थी विलासराव मुत्तवार खासदार थे, जब 5 रुपये टिकट थी, आज ओपीडी की टिकट 20 रुपया है। जब वहाँ पे स्टैंड का किराया नहीं था, आज स्टैंड का किराया 10 रुपये। तो क्या ये विकास है? 30 रुपये लगता है सामान्य आदमी को, तो ये विकास नहीं है। विकास के नाम पर धोखा है मेरे भाई। आज 200 स्कूल बंद हो गई, क्यों? नगर पालिका में बच्चे गरीब के बच्चे जाते हैं, वो बंद कर दिए पूंजी पर। ये विकास है? विकास उन्होंने किया है, अंबानी का किया, अडानी का किया, अपने बच्चों का किया, आज अपनी फैक्ट्री का किया। आज उनकी जो आय है 140% बढ़ गई, और कंचन भाभी जो है उनकी बीवी, उनकी 127%। ये क्या है? एक सड़क लेमिनेटर के घोड़े में आला आदमी अचानक के जमीन में पैसा निकल ली, आसमान ने टपका दिया, दूसरे घर पर छापा मारते हैं, क्योंकि ये झूठ की फैक्ट्री का प्रोडक्ट है। और विकास के नाम पे बहुत झूठ, इतना झूठ कि आपको बताने चलूँ, जितनी भी नगर पालिका के माध्यम से यूनानी दवाखाना चलता है, इसकी पहले 2 रुपये में पर्ची कटती थी। कितने रुपये में? 2 रुपये। आज 10 रुपये पर्ची कट रही है। ये क्या है? जी, गरीब को लूट और कुपोषण का शिकार बढ़ गई। कुपोषण, आज आम गांव चले जाओ आप, आज माँ के बच्चे से जो भी वहाँ पे कुपोषित बच्चा पैदा हो रहा, कुपोषित पैदा हो रहा, आज 37% कुपोषण बढ़ गया। ये कैसा विकास है मेरे भाई? विकास का कोई मापदंड होना चाहिए, इसका एक ही मापदंड है। अच्छा, कोई नई सड़क नहीं बनाए, पुरानी सड़क को खोद के सीमेंट की बना दी, ये विकास? कोई नई सड़क बनाओ ना आप, खत्म हो जाए, इलेक्शन कराना ना पड़े। या ऐसा आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग या ऐसा चाहते हैं, बस हमारा यानी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हम जो है यानी हम ही राज करेंगे, हम जो बोलेंगे वही छोड़ूंगा। यानी झूठ झूठ की यानी फैक्ट्री नरेंद्र मोदी जो है झूठ, 15 लाख वादा करें लोगों के खाते में आएंगे, गरीब के पीछे गरीब लोगों ने बहुत सारे सपने देख लिए, 15 लाख मिलेगा, कोई मैंने सोचा कि मकान बना लेंगे, कोई बोले बहु बेटे को अलग करके उनका एक परिवार अलग कर देंगे, और ऐसा करके यानी बहुत सारे ना जाने कितने सपने देखे, लेकिन वो सपना टूट गया। 5 साल आ गए और वो जनता ने ये देखी कि अब ये तो बोले फिर से झूठ बोलना शुरू कर दिए। आप गरीब हटाओ नहीं, गरीबों को हटाओ। हाँ, वो गरीब नहीं, ये तो यानी गरीब को ख़त्म करने का उनका मकसद यही है, संविधान ख़त्म कर दो देश से तो ऑटोमेटिक गरीबी ख़त्म हो जाएगी ना, इनका राज चलेगा, ये जो बोलेंगे वो होगा। तो ऐसा ही हो रहा है कि ये इन्होंने किसान को भी यानी जो झूठ बोल के उनका वोट लिया, उनको कुछ दिया नहीं। ऐसे ही नागपुर के अंदर में हलवा बुनकर और कोष्टी बुनकर और ये मोमिन बुनकर, ऐसे बड़ी तादाद है महाराष्ट्र के नागपुर शहर में, जो इनको भी यानी गडकरी ने एक बहुत बड़ा वादा किया था, बुनकरों से भी वादा किया था कि हम तुमको बुनकर काट देंगे, उस पर स्कीम बनाएंगे, छोटे बुनकरों को उसको लाभ मिलेगा सीधा, ऐसा बोले थे। तो जब हम उनके पास गए, मैं बुनकर पावर लूम एसोसिएशन का अध्यक्ष, मैं खुद गया उनके पास में इस बारे में बोलने, तो उन्होंने ऐसी बेइज्जती करके यानी निकाला बाहर कि चलो चलो बोले यहाँ से, हाँ अंगूठा लगाते, पैर का अंगूठा लगाते, ऐसा लगा लगा के बहुत पैसे खाए, बताओ हमारे पास कुछ ये नहीं।
साधन नहीं, हम गरीब लोग, हम लोगों ने यानी सरकार का पैसा खाए, ऐसा यानी गडकरी का कहना है, ऐसा यानी ये चौकीदार बोलता है अपने आप को। ये हिंदुस्तान का दुनिया का पहला प्रधानमंत्री है जो अपने आप को यानी ये ऐसा बोलता है कि मैं यानी मतलब यानी चौकीदार 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 बोल के तू तो प्रधानमंत्री की इमेज को घटा दिया, प्रधानमंत्री की इमेज को घटा दिया। और ये जो चौकीदार की जगह अब बेरोजगार लगाना पड़ेगा, ये ऐसी स्थिति आ चुकी है इस हिंदुस्तान की। अभी आपको बता रहा हूँ समाज कल्याण के अंदर में जो बच्चे पढ़ते हैं विद्यार्थी, जो मतलब जिनको रिजर्व कैटेगरी में पैसा मिलता था, स्कॉलरशिप मिलती थी वो बच्चों को, आज समाज कल्याण का ऑफिसर ये कहता है कि हम बहुत दिक्कत में हैं, बहुत परेशानी में है, सरकार की तरफ से ऐसा हमारे को मतलब ये हुआ है घोषित कि बच्चों के अकाउंट में पैसा जाएगा। पहले स्कूल के अकाउंट में पैसा जाता था, कॉलेज के अकाउंट में पैसा जाता था, ताकि बच्चों के ऊपर में कोई लोड नहीं रहता था। अभी ऐसा हो गया था कि बच्चों के ऊपर में खुद ब खुद लोड आ रहा था, वो उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, बच्चों के ऊपर एक साइकोलॉजी इफेक्ट पड़ रहा था जिससे उनकी पढ़ाई के ऊपर में बहुत ज़्यादा असर हुआ और बच्चे बहुत ज़्यादा फेल हुए तादाद में। ऐसी सरकार किस काम की? कई लोगों ने जो है बच्चे जो जो गरीब तबका है, जो गरीब तबका है जो बच्चों को पढ़ाता नहीं है, एक स्कॉलरशिप का सहारा होता है, वो पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक और ये ओबीसी में ओबीसी के माध्यम से जो स्कॉलरशिप मिलती है, एससी कैटेगरी के माध्यम से स्कॉलरशिप मिलती है, उसमें भी मतलब लोगों को परेशान किया, गरीबों को परेशान किया। तो अब गरीबों को परेशान किया और ये बता रहा हूँ आपको कि विकास की जो जड़ी लगी है वो कांग्रेस के दौर से लगी है, इनके दौर से नहीं लगी। टाउन प्लानिंग जो होता है वो बरसों पहले होता है, अभी एकदम आ गए आप और चुन के आ गए और आपने विकास करा, ऐसा नहीं होता है। पहले से प्लानिंग बनती है और वो सरकार अगर आप आई सरकार चुनकर आई है तो सरकार तो खर्चा करेंगी, तो आप ये मत बोलिए कि हमने करा विकास, ऐसा नहीं है। और शहर का भी जो तापमान जो बड़ा है, सीमेंट की सड़कें जो बनी है, अभी पहले ऐसा था कि मार्च के शुरुआत के अंदर में ऐसा था कि परसेंटेज टेम्परेचर जो होता था वो कम होता था, आज टेम्परेचर इस कदर है कि गरीब आदमी भी परेशान है, कूलर नहीं ले सकता। अप्रैल में ये टेम्परेचर है, तो अभी आने वाले दो गर्मियों के 3 महीने बाकी है, क्या हालत होंगी गरीबों की? गरीब जो है बस कमाता है और खाता है। इसी तरह ये विकास वाला नारा नहीं है, विकास का नारा तो अब लगेगा क्योंकि अब जो है जो सर्वधर्म की जो पार्टी है जो सबको लेके चलती है ये कांग्रेस पार्टी है। हम पूरा पूरा साथ देंगे और मैं आपको यकीनन बता रहा हूँ कि पडोले जी जो है यहाँ सर चुन के आएंगे, ये कोई ऐसे बाहर के व्यक्ति नहीं है, इन्होंने तो सारे हिंदुस्तान के किसानों के लिए और सारे लोगों के लिए आवाज़ उठाई है। ये कह रहे हैं भंडारा के, अरे भंडारा के नहीं है, नागपुर शहर ऐसा है, अमन का शहर है, यहाँ पर जो है हर इंसान को दिल में बसा ले।